एनीवन स्टूडेंट एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स प्लस ई टू पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सो एक्सिलरी इक्वेशंस वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन हियर एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस टू वाई किधर है कि नहीं है यस सर क्या होगा ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस टू एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ टू एक्स एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना कॉम्प्लीमेंट्री जो एक्सिलरी क्वेश्चन रूट्स ऑफ द एम का वैल्यू क्या है देर आर टू वैल्यूज ऑफ एम दैट इज अल्फा प्लस आई बीटा कॉम्प्लेक्स एज ए कॉम्प्लेक्स रूट्स रियल एंड डिफरेंट सर हाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा एक्स तो अल्फा क्या है जीरो है प्लस इंटू ए इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस बी इंटू साइन बीटा एक्स बीटा हैव टू सो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्लियर पार्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स ये थ्री एक्स के लिए पहले निकालो ठीक है तो क्या होगा वन बाय डी स्क्वायर फोर प्लस साइन इंटू थ्री एक्स ठीक है तो प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द पार्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स तो साइन ऑफ एक्स के लिए निकालने के लिए क्या होगा डी स्क्वायर में क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा है ना डी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या है थ्री माइनस नाइन प्लस फोर ये निकल गया साइन थ्री से फाइव पार्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स पहले निकालो इसके लिए निकालोगे पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालोगे एक्सपोनेंशियल एक्स के लिए क्या बताते हैं कि जहाँ डी का वैल्यू है वहाँ एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स वी हैव सो हियर डी इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा वन वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव हो गया तुम्हारा ठीक है एक्सपोनेंशियल एक्स पार्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस इन अदर वर्ड्स पार्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर का पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालो ठीक है ना तो सो वी हैव वन बाय डी स्क्वायर फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन बाय फोर इसे कॉमन ले लो वन बाय फोर कॉमन ले लो वन प्लस डी स्क्वायर बाय फोर होल टू द पावर माइनस वन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर ठीक है तो क्या हो जाएगा बोलो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करेंगे उसके पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर रख लो वन प्लस एक्स टू द पावर एन सो वन प्लस एक्स टू एन एज ए बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक करो इसको वन प्लस एन एक्स हो जाएगा वन प्लस एक्स टू पर एन एन इज इक्वल टू माइनस वन सो वन माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू बाई एक्स स्क्वायर करेंगे फोर बाई फोर हो जाएगा तो डी टू फोर बाई फोर इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो फोर टाइम्स को हम लोग नेगलेक्ट कर दिए हैं ठीक है ना सो वन बाई फोर मल्टीप्लाई करो वन बाई फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसको डेरिवेटिव करो डी स्क्वायर मींस डबल डेरिवेटिव है ना डबल डेरिवेटिव करने से क्या होगा बोलो डी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव वन बाई टू हो जाएगा पर ब्रेक करेंगे तो है ना उसे मल्टीप्लाई करो कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस मीन द कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन सो वी हैव ए इंटू कॉस ऑफ टू एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ टू एक्स ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन अदर वर्ड्स पार्टिकुलर इंटीग्रेशन इज थ्री पार्टिकुलर इंटीग्रल वी हैव थ्री पार्टिकुलर इंटीग्रल फर्स्ट इज माइनस साइन थ्री एक्स बाई फाइव अनदर इज एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स बाई फाइव थर्ड वन इज ये वन बाई एट इन एट इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको लिख दो सोल्यूशन निकल गया
क्लियर है? एनीवन? अजय कुमार, सो बाइनोमियल थ्योरम में थोड़े वो नहीं समझ आया सर। बाइनोमियल थ्योरम में इसलिए तोड़ रहे हैं ना, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला याद है कि नहीं? बोलो हाँ, कैसे? बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला याद है? नहीं सर, भूल गए। वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, वी हैव वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर बाई फोर। एन का वैल्यू क्या है? माइनस वन। तो उसी फॉर्मूला में ब्रेक करो, ये मिलेगा। एक्चुअली हम एक्स एक्स ओनली फॉर राइट हैंड एक्स, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिए? अगर एक्स स्क्वायर लेंगे तो डी फोर हो जाएगा, तो डी फोर लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा वह एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। ठीक है? यस। अब बोलो, बाइनोमियल थ्योरम समय पर अमन कुमार, आशीष कुमार, मनीष कुमार, धीराज निरंजन,